गुड मॉर्निंग, टुडे इज 12th of March 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे हाडिया केस के बारे में है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल सीरिया का एक शहर ईस्टर्न घोटा, जहां पर फिलहाल आतंकवादियों का यानी मिलिटेंट्स का कब्जा है और लगातार एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं सीरिया और रशिया की फोर्सेस के द्वारा। हजार से ज्यादा सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। यहां पर पीस इस्टैब्लिश करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। बीच में ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल जजमेंट आया यूथनेशिया के इश्यू पर, हमने ये आर्टिकल शनिवार को डिटेल से डिस्कस किया था। दो आर्ग्यूमेंट्स नए हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे ये आर्टिकल कोरियन पेनिनसुला में पीस इस्टैब्लिश को लेके हैं, इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे पेज पर ये आर्टिकल आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने के बारे में है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये बात कहता है कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के अनुसार हम आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम आपको देते हैं तो इसका मतलब हम 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये आर्टिकल लिखा गया है 14th फाइनेंस कमीशन के एक मेंबर के द्वारा। वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा बहाना लेके, हमारा नाम लेके, हमें बलि का बकरा बना के आंध्र प्रदेश को मना कर रहा है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने के लिए। देखो, उनका अपना विचार है कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दें या ना दें, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस का हवाला नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हमने सिर्फ इतना कहा था, टैक्स रेवेन्यू का जो डिवीजन होता है स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, ये डिसाइड करने में हम सभी स्टेट्स को एक ही कैटेगरी में मानेंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस को नहीं मानते। दूसरा, प्रेसिडेंट ने जब 14th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया था, हमको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई थी, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कहीं भी ऐसा नहीं था कि हमें यह डिसाइड करना है कि स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस को रखें या खत्म कर दें। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का यह आर्ग्यूमेंट गलत है। तो ये एसेंस है इस आर्टिकल का, बाकी कुछ भी इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं आंध्र प्रदेश के स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस के बारे में, और साइड में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मंडे को आता है द हिंदू ने कौन सी न्यूज को प्रायोरिटी दी कौन सी पेज पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और फ्रांस के बारे में, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोरियन पेनिनसुला में पीस प्रोसेस के बारे में जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच टेंशन और ज्यादा गहरा गई है, क्योंकि ट्रंप ने न्यूक्लियर वार की धमकी दी थी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, और नॉर्थ कोरिया ने भी यूएसए के खिलाफ न्यूक्लियर वार की धमकी दी थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि टेंशन कम हो सकती हैं नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच, और पीस प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। तो आखिरकार हुआ क्या? साउथ कोरिया से एक डेलीगेशन गया नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया के शासक किम से मुलाकात करने के लिए, और यह डेलीगेशन काफी पॉजिटिव आउटकम लेके आया। साउथ कोरिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसने मुलाकात करने के बाद यह कहा कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम ट्रंप से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, और इवन नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर वेपन्स को भी खत्म करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं वो सब हटा लिए जाएं और नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और इस बार नॉर्थ कोरिया ने बातचीत को स्टार्ट करने के लिए कोई कंडीशंस भी नहीं रखी हैं। देखो, 2012 में जब बातचीत स्टार्ट हुई थी नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच, उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने यह डिमांड की थी कि आप हमें फूड एड दीजिए, यानी फूड की मदद दीजिए। और कई बार नॉर्थ कोरिया ये भी डिमांड करता है बातचीत को स्टार्ट करने से पहले कि साउथ कोरिया और यूएसए के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसे बंद कीजिए। लेकिन इस बार जो मिलिट्री एक्सरसाइज है मार्च से मई के बीच में होगी, वो भी शेड्यूल के हिसाब से चलेगी, और नॉर्थ कोरिया ने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी है कि साउथ कोरिया और यूएस के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसे बंद कीजिए। तो देखो, ऊपर से तो ये जो बातचीत की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है वो ठीक ही लगती है, लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि अगर बिना ग्राउंड वर्क के बातचीत स्टार्ट होगी तो बहुत जल्दी बातचीत बंद भी हो जाएगी और बातचीत बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी, और बल्कि इससे यूएस के जो एलाइज हैं जापान साउथ कोरिया उनको और ज्यादा नुकसान होगा और ज्यादा टेंशंस बढ़ेंगी फ्यूचर में यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच। तो मेनली तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं राइटर, जिनके बिना पर राइटर ये कहते हैं कि पीस प्रोसेस जो स्टार्ट होने वाली है उसमें कोई भी ठोस सब्सटेंस नहीं है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, नॉर्थ कोरिया ने यह कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को हमारे देश से खत्म कर देंगे, लेकिन आपको नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी की गारंटी देनी होगी। और देखो, नॉर्थ कोरिया जो सिक्योरिटी की गारंटी मांगता है
ये मांग कोई नई नहीं है, काफी पुरानी मांग है। क्या मतलब क्या है सिक्योरिटी की गारंटी का? देखो कई सारे मतलब निकल सकते हैं नॉर्थ कोरिया जो सिक्योरिटी की गारंटी मांग रहा है। पहला मतलब ये निकल सकता है कि यूएस स्टेटमेंट दे नॉन एग्रेशन, यानी हम एग्रेसिव नहीं होंगे नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, या फिर फॉर्मल पीस एग्रीमेंट साइन हो सकता है कोरियन वार को खत्म करने के लिए। इवन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन उस समय नॉर्थ कोरिया अपने देश से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए राजी नहीं हुआ था, इसलिए फॉर्मल पीस एग्रीमेंट कोरियन वार को खत्म करने के लिए ये सिरे नहीं चर्च का था। इवन देखो ये भी मतलब हो सकता है नॉर्थ कोरिया का कि नॉर्थ कोरिया जो सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है कि अभी फिलहाल यूएस और साउथ कोरिया के बीच जो अलायंस है उस अलायंस को तोड़ा जाए, ये भी मांग कर सकता है नॉर्थ कोरिया। और अभी साउथ कोरिया में जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है, जो आर्मी है यूएस की, यूएस अपनी आर्मी को साउथ कोरिया से वापस लेके जाए, ये भी मतलब हो सकता है नॉर्थ कोरिया का सिक्योरिटी गारंटी से। लेकिन राइटर के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो कोरियन पेनिनसुला में टेंशन कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि देखो अभी साउथ कोरिया इतना ज्यादा केपेबल नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ वार लड़ सके या फिर अपनी सुरक्षा खुद कर सके। यूएसए की फोर्सेस मौजूद हैं साउथ कोरिया में, क्योंकि साउथ कोरिया अलाय है यूएसए का। अगर यूएसए की फोर्सेस वहां से चली जाती हैं तो साउथ कोरिया भी एफर्ट्स लगाएगा कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इवन न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकता है साउथ कोरिया। तो इन चीजों से तो और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी कोरियन पेनिनसुला में। लेकिन ये बात ट्रंप को पसंद आ सकती है, क्योंकि ट्रंप तो हमेशा से जब से राष्ट्रपति बने हैं वो तो एक प्रकार से अपनी फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करते हैं एलाइज की तरफ। वो कहते हैं एलाइज अपनी सुरक्षा खुद करें या फिर हमें और पैसा दें। तो ये जो एग्रीमेंट है शायद ट्रंप को पसंद आ जाए, लेकिन टेंशन कम नहीं करेगा। अब बात करते हैं सेकंड आर्गुमेंट की। सेकंड आर्गुमेंट ये है कि पहले भी काफी सारी डील्स हुई हैं, पहले भी पीस प्रोसेस स्टार्ट हुई है नॉर्थ कोरिया के साथ, लेकिन वो पीस प्रोसेस परवान नहीं चढ़ सकी हैं। जैसे 2012 का एग्जांपल दिया जाता है, 2012 में नॉर्थ कोरिया ने एक डील साइन की थी कि आप हमें खाना दे दीजिए, फूड एड दे दीजिए, बदले में हम बैलिस्टिक मिसाइल का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको रोक देंगे। और देखो इस डील के साइन होने के बाद सैटेलाइट लॉन्च किया नॉर्थ कोरिया ने, यानी लूप होल्स का फायदा उठाया। सैटेलाइट जो लॉन्च किया उसमें वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो बैलिस्टिक मिसाइल के एक्सपेरिमेंट में होता है, तो इनडायरेक्टली एक प्रकार से लूप होल का फायदा उठा रहे थे किम, और ये डील कोलैप्स हो गई। और देखो साउथ कोरिया के डेलीगेशन ने तो काफी सारी बातें कही नॉर्थ कोरिया के शासक किम से मुलाकात करने के बाद, जैसे नॉर्थ कोरिया फूड एड नहीं मांग रहा है या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए तैयार है, और ज्वाइंट एक्सरसाइज जो यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में होगी वो ज्वाइंट एक्सरसाइज भी फिलहाल रोकने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें कहीं साउथ कोरिया के डेलीगेशन ने, लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रिएक्शन, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है इन सब बातों पर। पता लगे साउथ कोरिया कुछ अलग ढंग से चीजों को इंटरप्रेट कर रहा हो और नॉर्थ कोरिया कुछ अलग ढंग से चीजों को इंटरप्रेट कर रहा हो। कई बार हो जाता है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। कल मेरे दोस्त की चाय में मक्खी गिर गई, मैंने उसको बोला कि भाई तेरी चाय में मक्खी है, वो बोलता है कोई बात नहीं कितनी चाय पी जाएगी मक्खी। अरे भाई मैं हाइजीन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है कि मक्खी ज्यादा चाय नहीं पिएगी, कोई बात नहीं। तो देखो चीजों को तब पता लगेगा जब साउथ कोरिया और यूएसए के बीच जब ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी, तो उस समय क्या नॉर्थ कोरिया डिमांड करता है कि आप इस एक्सरसाइज को स्केल डाउन कीजिए, तब पता लगेगा चीजों को। फिलहाल बात करते हैं तीसरे आर्ग्यूमेंट की। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि कोरियन पेनिनसुला में देखो पीस प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है, लेकिन चाइना को भी साथ लेके चलना होगा। आप एक बात बताइए, फिलहाल नॉर्थ कोरिया बातचीत के लिए क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो सैंक्शंस कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, और इसीलिए प्रेशर में आके नॉर्थ कोरिया बातचीत के लिए तैयार हो रहा है। और नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे सैंक्शंस को सफल बनाने के लिए चाइना का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप चाइना को साथ लिए बिना कोरियन पेनिनसुला में पीस प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि वो चाइना के जो प्रेजिडेंट है सी चिनफिंग उनसे फोन पे बात करेंगे, और साउथ कोरिया का जो डेलीगेशन मुलाकात करके वापस लौटा नॉर्थ कोरिया के शासक किम से, वो जापान भी जाएगा क्योंकि जापान का साथ भी बहुत जरूरी है कोरियन पेनिनसुला में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा तो ये होगा 2003 से 2009 के बीच सिक्स पार्टी टॉक्स जो हुई थी नॉर्थ कोरिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, इस सिक्स पार्टी टॉक्स को फिर से रिवाइव किया जाए। देखो छह देश हैं सिक्स पार्टी टॉक्स में, रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और यूएसए। अगर इस प्रकार से बातचीत आगे बढ़ती है तो संभावना ज्यादा है कोरियन पेनिनसुला में पीस इस्टैब्लिश हो जाए, अदरवाइज संभावना कम है। लेकिन
ट्रंप का जो नेचर है वो इस प्रकार से है, कुछ भी होता है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए हो सकता है उसकी उनकी टेंडेंसी कम हो सिक्स पार्टी टास्क को फिर से रिवाइव करने के लिए। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में बोला जाता है कि हमें रियलिस्टिक होने की आवश्यकता है, प्रैग्मेटिक होने की आवश्यकता है। ये मानकर चलना कि नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं उन न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देगा नॉर्थ कोरिया, ये तो काफी बेतुकी सी बात है। क्योंकि देखो, नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं वो तो उनकी सर्वाइवल का टिकट है। नॉर्थ कोरिया ये न्यूक्लियर वेपन्स तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, उनको पता है ये सुरक्षा की गारंटी ऑटोमेटिक है ही। लेकिन दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे नॉर्थ कोरिया को मनाना इस चीज के लिए कि वार हेड्स और जो मिसाइल्स हैं उनका एक्सपेरिमेंट बंद करे, फ्रीज करे नॉर्थ कोरिया, और क्वांटिटी जो वार हेड्स और मिसाइल्स की है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, इंस्पेक्शंस अलाउ करे, और नॉर्थ कोरिया को जो एक्सपोर्ट होती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उस पर भी ब्लॉकेज लगना, उस पर भी रोक लगना बहुत जरूरी है अगर नॉर्थ कोरिया को हम रोकना चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का फर्दर निर्माण करने से रोकने से। तो इसके लिए डिलीजेंट एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेसी चाहिए। तो ये सब बातें कही जाती हैं कंक्लूजन में। ये पूरा आर्टिकल था कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सीरिया से है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। सीरिया में एक सिटी है ईस्टर्न घोटा, मैप में लोकेशन आप देख लीजिए ईस्टर्न घोटा। मिलिटेंट्स की कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर है ईस्टर्न घोटा, और सीरियन रेजिम रशिया के साथ मिलकर ईस्टर्न घोटा से मिलिटेंट्स निकालने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ समय से, और काफी सारे एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं ईस्टर्न घोटा सिटी में, और उन एयर स्ट्राइक्स की वजह से अभी तक हजार सिविलियंस की, फिर से बोलता हूं, हजार सिविलियंस की डेथ हो चुकी है ईस्टर्न घोटा में। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले महीने एक रेजोल्यूशन पास किया सर्व सहमति से कि ईस्टर्न घोटा में एयर स्ट्राइक्स रुकने चाहिए, और सिविलियंस की जो लगातार जाने जा रही हैं, हजार सिविलियंस की जो डेथ हो रही है, ये डेथ का घटनाक्रम रुकना चाहिए। तो उसके बाद अब यूएन और मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखो, सभी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच तो एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, लेकिन एक मुख्य मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हयात तहरीर अल शम। इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का यूएन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। उस एग्रीमेंट के अनुसार ईस्टर्न घोटा से ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके मिलिटेंट्स छोड़ के चले जाएंगे इदलिब में। यहां पे देखिए, इदलिब में ईस्टर्न घोटा से चले जाएंगे इदलिब में। इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो मिलिटेंट्स हैं यूएन के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है। आर्टिकल कहता है ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी पीस नहीं आएगी ईस्टर्न घोटा में, क्योंकि देखो यूएन का सिर्फ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, और भी काफी सारी मिलिटेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं ईस्टर्न घोटा में, लेकिन उनको समझना चाहिए एलेपो में क्या हुआ था। देखो, एलेपो में भी काफी लंबी खींची थी लड़ाई, लेकिन उसके बाद मिलिटेंट्स को एलेपो को सिटी को छोड़ के जाना पड़ा था टर्की की मीडिएशन के बाद, क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी। और इस सिचुएशन में भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं ईस्टर्न घोटा में, उनको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके पास कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, आप ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकोगे सीरिया और रशिया की आर्मी के सामने। देखो, रशिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जब रेजोल्यूशन पास होता है वहां तो अपना समर्थन देता है ईस्टर्न घोटा में शांति आनी चाहिए, लेकिन बाहर आके जो एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं रशिया और सीरिया की आर्मी के द्वारा मिलके, उस एयर स्ट्राइक्स का समर्थन करता है और कहता है कि मिलिटेंट्स वहां पर सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सिविलियंस की जाने जा रही हैं। देखो, आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते अपने एयर स्ट्राइक्स का समर्थन करने के लिए या फिर जस्टिफिकेशन देने के लिए। असल बात तो यह है जो आर्टिकल के द्वारा कही जाती है कि कहीं ना कहीं सीरिया भी ये मानता है कि ईस्टर्न घोटा के 400,000 लोगों का भी दोष है, जिसकी वजह से इस पूरी सिटी ईस्टर्न घोटा में आतंकवादी यानी मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया था, इसलिए वो सिविलियंस की जानों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहा है और निर्दोष सिविलियंस की जानें जा रही हैं ईस्टर्न घोटा की लड़ाई में। तो ये पूरा आर्टिकल था सीरिया में ईस्टर्न घोटा के लिए जो लड़ाई चल रही है मिलिटेंट्स और रशिया और सीरिया की आर्मी के बीच। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बारे में है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। क्या कंटेस्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 3 दिवस की भारत की यात्रा पर आए, और इस दौरान काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और फ्रांस के बीच। उनमें से एक मुख्य एग्रीमेंट ये है कि इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करेंगे। देखो, इंडियन ओशन में लगातार चाइना कोशिश कर रहा है किसी न किसी प्रकार के इंडिया
कि जो लीडरशिप है, इंडिया की जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन में, उसे रिप्लेस करके खुद का वर्चस्व इस्टेब्लिश किया जाए। इसके अलावा चाइना साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में भी कम्युनिकेशन सी लेंस को बाधित करता है और इंटरनेशनल रूल को दरकिनार करता है। तो इंडिया भी इन सब चीज़ों से कंसर्न है और फ्रांस भी इन सब चीज़ों से कंसर्न है। तो ये एग्रीमेंट जो इंडिया और फ्रांस के बीच साइन हुआ है, एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करना, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना की एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए है। इंडियन ओशन में एक रीयूनियन आइलैंड है, यहाँ पर लोकेशन है, देखिए मदगास्कर के पास है रीयूनियन आइलैंड, ये फ्रांस का है। तो इंडिया इस एग्रीमेंट के बाद रीयूनियन आइलैंड पर जो फ्रांस का मिलिट्री बेस है उसे इस्तेमाल कर सकेगा। आगे आर्टिकल में कहा जाता है कि यूरोप में नई इक्वेशंस बन रही हैं, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद, ब्रेग्जिट के बाद नई इक्वेशंस बन रही हैं यूरोप में। फ्रांस और जर्मनी दो देश यूरोप के लीडर बनके उभर रहे हैं। फ्रांस इंडियन ओशन में अपना रोल निभाना चाहता है, जबकि इंडिया का जो कद है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो भी बढ़ रहा है। तो नेचुरल अलायंस बन सकते हैं इंडिया और फ्रांस, क्योंकि काफी चीजों पे जो इंडिया और फ्रांस के इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर सी कम्युनिकेशन लेंस की हमने बात की, पायरेसी की हमने बात की, तो इन सब चीजों को लेके कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस इंडिया की मदद कर रहा है, जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, स्कॉर्पियन क्लास के जो सबमरीन्स हैं उनको डेवलप करने में, राफेल एयरक्राफ्ट को बनाने में इंडिया और फ्रांस के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया ने फ्रांस का समर्थन किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जब माली में इंटरवेंशन की बात आई थी तब इंडिया ने फ्रांस का समर्थन किया था। इसके अलावा न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी काफी अच्छा है इंडिया और फ्रांस के बीच। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि नेचुरल पार्टनर्स बन सकते हैं इंडिया और फ्रांस। फिलहाल इस विजिट के दौरान काफी सारी चीजों को लेकर एग्रीमेंट हुए, जो सब हमने अभी डिस्कस किया, जैसे मैरीटाइम टेररिज्म और पायरेसी को मिलकर एक साथ लड़ेंगे इंडिया और फ्रांस। सी लेंस जो है वो फ्री रहनी चाहिए, किसी एक देश का कब्जा नहीं होना चाहिए जो इंटरनेशनल वाटर्स में सी लेंस है। ऐसा ना हो कि कोई एक देश है, जैसे इशारा चाइना की तरफ, कोई एक देश दूसरे देशों के शिप्स को आने से रोके इंटरनेशनल वाटर में जो सी लेंस है। ये सब बातें कही गई जॉइंट स्टेटमेंट में। उसके बाद कंक्लूजन की बारी आती है। कंक्लूजन में बोला जाता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था, यानी इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप का एक मैनिफेस्टेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंडिया और फ्रांस को दूसरे सेक्टर्स में भी जाना चाहिए। पहले पिछले कुछ सालों में इंडिया और फ्रांस ने अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की है न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और टेरर के क्षेत्र में, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी अब इंडिया और फ्रांस को आगे आना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मिलकर काम किया तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो इस प्रकार से इंडिया और फ्रांस दूसरे स्फीयर्स में भी अच्छा काम करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट उसके सामने आ सकते हैं। वही बात, इंडिया और फ्रांस के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं वर्ल्ड के बहुत सारे इश्यूज पर, इसलिए मिलकर काम कर सकते हैं इंडिया और फ्रांस। तो ये पूरा आर्टिकल था इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बारे में। अगला आर्टिकल यूथनेशिया के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट की हिस्टोरिकल जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसे यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है और कोई पर्सन इसके लिए लिविंग विल भी छोड़ सकता है और एडवांस डायरेक्टिव्स भी दे सकता है। काफी सारी सेफगार्ड्स भी रखे सुप्रीम कोर्ट ने, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। मेनली दो आर्गुमेंट्स नए हैं इस आर्टिकल में। एक, सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है जो यूथनेशिया के बारे में आई है उसका ग्राउंड तैयार हुआ प्राइवेसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी कुछ दिनों पहले। पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी प्राइवेसी के केस में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था हर एक पर्सन को अधिकार होना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, राइट टू चॉइस का, और ये अधिकार हमारे संविधान की वैल्यूज के कोर एसेंस है। इनी आर्गुमेंट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया पर अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी देखो अभी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, छोटी से छोटी चीजों में, जैसे फोन देख लीजिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, यानी हमारे जीवन में एम्बेडेड है टेक्नोलॉजी, लेकिन ये हम पर डिपेंड करना चाहिए कि हम कितना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे जीवन में। अगर कोई पर्सन टेक्नोलॉजी को अधिकार इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उस पर्सन को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जीवन के बारे में डिटरमिनेशन कर सके कि वो कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर कोई पर्सन टर्मिनली इल है या फिर वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब उसके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है, या फिर कोई पर्सन को पता है कि मैं मरने वाला हूं जल्द ही, तो टेक्नोलॉजी की सहायता से अगर उसके जीवन को प्रोलोंग किया जाए तो आप उसके दर्द को और ज्यादा प्रोलोंग कर रहे हो टेक्नोलॉजी की सहायता से, मेडिकल इक्विपमेंट्स की सहायता से। तो इस सिचुएशन में चॉइस उस पर्सन के पास ही होनी चाहिए, क्या वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ दिन और जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता है। तो इस बारे में सेल्फ डिटर्मिनेशन और राइट टू चॉइस का अधिकार होना चाहिए। दूसरा एक जो मेन पॉइंट इसमें यह है
कि देखो कुछ एक्सपर्ट्स सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार से कानून का दर्जा नहीं देना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है यूथनेशिया पे। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि देखो साउथ अफ्रीका में भी इसी प्रकार का रूल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है हमने कानून नहीं बनाया है, हमारी जो जजमेंट है वो क्वेसी जुडिशियल जरूर है, लेकिन ये क्वेसी जुडिशियल जजमेंट तब तक रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई कानून यूथनेशिया पर नहीं बना देता है। पार्लियामेंट जब कानून बना देगा यूथनेशिया पे तो हमारी जजमेंट ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा तब तक हमारी जो जजमेंट है वो क्वेसी जुडिशियल फॉर्म में रहेगी, यानी लीगल स्टेटस रहेगा, कानून की फॉर्म में रहेगी, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट अपना कानून बनाता है यूथनेशिया पे ये जो जजमेंट है उसका लीगल स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है यूथनेशिया के ऊपर। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कोरियन पेनिनसुला में पीस प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, बातचीत हो सकती है ट्रंप और किम के बीच, लेकिन आर्टिकल मना करता है। आर्टिकल कहता है बातचीत स्टार्ट होने के बाद भी कोरियन पेनिनसुला में पीस एस्टैब्लिश होगी, इसके आसार कम ही हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया सीरिया के ईस्टर्न घोटा में शांति स्टैब्लिश करने को लेकर यूएन और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हयात तहरीर अल शम के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मिलिटेंट्स हैं वो ईस्टर्न घोटा से जाएंगे इदलिब प्रोविंस में। उसके बाद हमने इंडिया और फ्रांस के बीच कैसे रिलेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है यूथनेशिया के ऊपर। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।